Hello and welcome to Kids Heaven Public School online classes. This is for grade 11 and this is our chapter number 4, problem solving, and the topic today is flow of control. But before we start, let's have a quick revision about problem solving. हमने देखा था कि problem solving का मतलब होता है कि हम किस तरह से सबसे पहले अपनी problem को identify करते हैं, उसके बाद उसकी एक analysis करते हैं, उसके बाद टेस्ट डिबगिंग करते हैं एंड देन फाइनली हमारा जो रिज़ल्ट होता है वो कंप्यूट होता है, ये हम एक कंप्यूटर प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो होता है वो एक सीरीज़ ऑफ स्टेप्स होते हैं, मतलब कि एक प्रोसेस होता है स्टार्टिंग से कि प्रॉब्लम क्या है, अब उस प्रॉब्लम में क्या हमें करना है, कैसे हमें स्टेप्स लिखने हैं, किस तरह से उसका सोल्यूशन बनाना है। ठीक है, ये जो हम स्टेप्स लिखते हैं इनको हम कहते हैं एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो मैंने आपको एल्गोरिथम्स के बारे में भी बताया था कि एल्गोरिथम्स जो हैं लिखने के दो तरीके होते हैं। एक तो यूज़ होता है फ्लो चार्ट, जिसमें हम अलग अलग शेप्स यूज़ करके उनके अंदर अपनी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, अपना डेटा लिखते हैं। वो जो शेप्स होती हैं हर शेप का एक मतलब होता है, उनको हम सिम्बल्स भी बोलते हैं। ठीक है, और जो दूसरा तरीका है एल्गोरिथम्स लिखने का वो है स्यूडो कोड। सो डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे कि यूजिंग द फ्लो चार्ट एंड स्यूडो कोड हमारा फ्लो ऑफ कंट्रोल क्या है। ओके, नाउ द फ्लो ऑफ कंट्रोल डिपिक्ट्स द फ्लो ऑफ इवेंट्स एज रिप्रेजेंटेड इन द फ्लो चार्ट। द इवेंट्स कैन फ्लो इन अ सीक्वेंस और ऑन ब्रांच बेस्ड ऑन अ डिसीशन और इवन रिपीट सम पार्ट ऑफ अ फाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स। अब जो फ्लो है ऑफ कंट्रोल, मतलब कि जो हमारे एल्गोरिथम्स हैं, जो हमारे स्टेप्स हैं, वो किस तरह से मूव करते हैं, मतलब कि उनका जो अरेंजमेंट होता है क्या वो एक सीक्वेंस में होता है, मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूसली एक प्रॉपर अरेंजमेंट में, या वो बार बार रिपीट होता है बीच में, ऐसा भी कोई फंक्शन है। ठीक है, तो ये जो ये स्टेप्स होते हैं कि किस तरह से कंट्रोल किया जाता है एल्गोरिथम्स को, उसमें हम यूज़ करते हैं सीक्वेंस, सेलेक्शन, रिपीटिशन। सीक्वेंस का मतलब होता है जब एक प्रॉपर मैनर में 1, 2, 3, 4 एक के बाद एक सेटिंग होती है। ठीक है, जो हमारा एल्गोरिथम है। सेलेक्शन क्या होता है कि हम कुछ हिस्सों को एक्टिवेट करते हैं, कुछ को छोड़ देते हैं, मतलब कि फ्लो चार्ट में कुछ डिसीशंस हम ले लेते हैं, कुछ को हम छोड़ देते हैं। और रिपीटेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल जब हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो एक नंबर को बार बार हम रिपीट करके उसे बढ़ाते रहते हैं, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, तो इस तरह से 2 रिपीट हो रहा है लेकिन साथ में वो बढ़ भी रहा है, सो दिस इज़ रिपीटेशन। इनको हम और डिटेल में देखते हैं। चलो देखें, द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड वन आफ्टर द अदर इन अ सीक्वेंस, दैट इज़ कॉल्ड सीक्वेंस। जब वन आफ्टर द अदर, एक के बाद एक जब हमारे जो स्टेटमेंट्स हैं हमारे स्यूडो कोड में या फ्लो चार्ट में, उनको हम एग्जीक्यूट करते हैं, मतलब हम उन्हें रन करते हैं, तो एक के बाद एक होते हैं, तो वो सीक्वेंस में कहा जाता है। और जो सिलेक्शन है, लेट्स लुक एट सिलेक्शन। देखें, सिलेक्शन के लिए एक मैप दिया गया है, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग मैप, ऑब्जर्व करो। ये एक मैप है नेबरहुड का, एक एरिया का। ठीक है, अब चलो एज्यूम करते हैं कि जो पिंक वाली बिल्डिंग है जिसकी लाल छत है, ओके, ये स्कूल है। लुक एट इट हियर, पिंक बिल्डिंग एंड रेड रूफ, ये हमारा स्कूल है। एंड जो येलो पेंटेड हाउस एट द फार एंड ऑफ द मैप इज अ हाउस, और ये घर है हमारा। ओके, अब इसमें से अगर हम दो क्वेश्चंस निकालते हैं कि घर से स्कूल जाने का सबसे छोटा रास्ता कौन सा है, ठीक है, दो क्वेश्चंस निकालते हैं। इज देयर अ प्री डिफाइंड रूट फॉर वॉकिंग फ्रॉम होम टू स्कूल, कैन वी हैव अ डिफरेंट रूट। ठीक है, स्कूल से अगर हमें घर जाना है तो क्या कोई ख़ास रास्ता बना हुआ है, चुना हुआ है, जिसे हम फॉलो करें। ठीक है, तो इसका आंसर ये है कि जब देखें कोई स्पेशल रास्ता नहीं है, सभी रास्ते आपस में कनेक्टेड हैं। देखो, अगर हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं सीधे आएंगे, फिर ये वाला रूट लेंगे, यहाँ स्कूल आ जाता है। यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे आएंगे, ये वाला रूट लेते हैं, फिर यहाँ स्कूल आ जाता है। घूम फिर के दूर से आओ तो भी स्कूल आ जाता है। ठीक है,
कोई अलग से एक रास्ता नहीं बनाया गया है। सुबह में जाते समय हम सबसे छोटा रास्ता देखते हैं, शॉर्टेस्ट रूट, रूट का मतलब रास्ता होता है, हम सबसे छोटा रास्ता ढूंढते हैं। लेकिन वापसी में उस छोटे रास्ते में काफ़ी ट्रैफिक होता होगा, भीड़, तो हम दूसरा रूट ले लेते हैं। काफ़ी सारे रूट्स होते हैं, ठीक है। सो सेलेक्शन में क्या होता है कि हमें कौन सा रास्ता चुनना है जिससे कि हमें आसानी पड़े, वो होता है सेलेक्शन। नाउ देखो, एज सीन फ्रॉम द मैप दे कैन बी मल्टीपल रूट्स, मतलब कि बहुत सारे रूट्स हो सकते हैं स्कूल और घर के बीच में। हम सबसे छोटा रास्ता ले सकते हैं मॉर्निंग में, लेकिन दोपहर में वापसी में, ठीक है, सबसे छोटे रास्ते में हैवी ट्रैफिक हो सकती है, इसलिए हम कोई और रूट ले सकते हैं। अब डिसीशन मेकिंग एक चीज़ होती है। डिसीशन मेकिंग क्या होता है कि हम कुछ डिसाइड करते हैं, मतलब हम एक फैसला लेते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें कंडीशंस होती हैं, या तो ये या वो, ये नहीं होगा तो वो नहीं होगा, वो होगा तो ये होगा, इस तरह से कंडीशंस आ जाती हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आएगा। चेक इन एलिजिबिलिटी फॉर वोटिंग, ठीक है, ये एक तरह का डिसीशन मेकिंग है। इसमें क्या है, इफ़ एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 द पर्सन इज एलिजिबल टू वोट। अगर जो उम्र है 18 या 18 से ऊपर है तो ही बंदा एलिजिबल होता है वोट के लिए। इफ़ एज इज़ लेस देन 18 द पर्सन इज़ नॉट एलिजिबल, 18 से कम उम्र पर किसी भी व्यक्ति को वोट कर देने की इजाज़त नहीं है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एक डिसीशन बनाया है पहले वाले सेंटेंस में, 18 से ज़्यादा या 18 के अगर हो गए हो तो वोट डाल दो, और अगर नहीं हुए हो तो वोट डाल नहीं सकते। इसी तरह एक और एग्जांपल देखें, ए स्टूडेंट इज़ 8 ईयर्स ओल्ड एंड लाइक्स मैथ्स। अब यहाँ हमें दो ग्रुप्स बनाने हैं। अब देखिए, कंडीशन जो ये है, एक 8 साल का बच्चा है और उसे मैथ्स पसंद है। अब यहाँ देखें, हमारे पास तीन सेंटेंस हैं, 8 साल का रवि जिसे मैथ्स नहीं पसंद, तो ये हो जाएगा ग्रुप बी। 8 साल की प्रीति जिसे मैथ्स पसंद है, ये है ग्रुप ए। 7 साल का अनीश जिसे मैथ्स पसंद है, ये है ग्रुप बी। अब ये बताओ कि जो पहला वाला एंड थर्ड वाला है वो ग्रुप ए में क्यों नहीं है। वो इसलिए क्योंकि जो हमारी कंडीशन थी वो ये था कि 8 साल का भी होना चाहिए और मैथ्स भी पसंद है, एंड ये सिर्फ प्रीति के लिए होता है, ठीक है। बाकी दोनों में देखो, इसका 8 साल है लेकिन इसे मैथ्स नहीं पसंद, इसे मैथ्स पसंद है तो ये 7 साल का है। जो क्राइटेरिया फिट होता है वो सिर्फ सेकेंड वाला है कि 8 साल की है एंड मैथ्स पसंद है। तो इस तरह से हम डिसीशन मेकिंग करते हैं। आई होप दैट इज़ क्लियर फॉर यू इनफ। देखो, डिसीशन मेकिंग करना पड़ता है क्योंकि जब हम प्रोग्राम्स लिखते हैं तो उसमें कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाते हैं। अब कंडीशनल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं ये भी आप देखो। देखो, कंडीशन ट्रू फॉल्स, डू दिस डू डैट और डू नथिंग। जब हम एक कंडीशन लिखते हैं उसके साथ हम अक्सर वर्ड्स जो यूज़ करते हैं वो है इफ देन एल्स, ठीक है। इफ अगर, देन फिर, एंड इफ देन एल्स, एल्स या तो। ये हिंदी में भी कंडीशनल स्टेटमेंट्स होते हैं, अगर ये करना है तो ये करो, नहीं तो वो करो, वरना वो करो, इज़न्ट इट। सो इसी तरह से जब हम अपना स्यूडो कोड लिखते हैं तो इसमें हम कंडीशन डालते हैं जब डिसीशन मेकिंग करनी होती है हमें, ठीक है। देखो, इफ़ कंडीशन देन स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन द कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कंडीशन सच है तो उसकी कोडिंग अलग होगी, अगर कंडीशन सच नहीं है तो उसकी कोडिंग अलग होगी। एक एग्जाम्पल देखते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, लुक एट दिस एग्जाम्पल, लेट अस राइट एन एल्गोरिथम टू चेक वेदर ए नंबर इज ऑड और इवन। अब ऑड और इवन क्या होता है, इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं पूरी तरह, उनका रिमाइंडर नहीं बचता, और जो ऑड नंबर होते हैं उन्हें जब हम 2 से डिवाइड करते हैं तो उनमें हमेशा एक रिमाइंडर आता है, ठीक है। सो हमें एक स्यूडो कोड लिखना है जिसमें ये शो करना है कि नंबर ऑड है या इवन। तो उसका जो प्रोसेस है, देखो, इनपुट कोई भी नंबर डालो, प्रोसेस चेक वेदर द नंबर इज इवन और नॉट, हमें चेक करना है, और इसका जो आउटपुट होगा वो रिजल्ट आएगा कि इवन है या ऑड है, ठीक है। अब इसका जो स्यूडो कोड है वो ये होगा, प्रिंट एंटर द नंबर। प्रिंट का मतलब, प्रिंट हमेशा लिखना होता है जब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कोडिंग लिखनी। इनपुट नंबर है, देन इनपुट मॉडुलो 2, ओके, मॉडुलो 2, इसका मतलब ये है कि हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं।
अगर मॉडुलो 2 इज इक्वल्स टू 0 देन प्रिंट नंबर इज इवन. देन प्रिंट का मतलब होता है कि मतलब कि अब दिखा दो या उसके बाद ये दिखा दो स्क्रीन पे, ठीक है. दैट मीन्स देन प्रिंट एंड देन क्या टाइप करेंगे, नंबर इज इवन. लेकिन अगर यही